पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि बीपीटी थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं और बीपीटी थ्योरम का यूज करके कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आज जो हम लोग देखेंगे उसमें क्या है कि हम लोगों ने बीपीटी देख लिया, सीबीपीटी देख लिया, अब इसके आगे थोड़ा सा चलते हैं। ठीक है, इसके आगे क्या है, क्राइटेरिया ऑफ सिंगुलैरिटी ट्रायंगल। ठीक है, अगर नहीं दिखा मैं थोड़ा और नीचे लिख देता हूं, क्राइटेरिया ऑफ सिंगुलैरिटी ट्रायंगल। ठीक है जी, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल, मतलब कहने का मतलब यह है कि हम ट्रायंगल को सिमिलर कैसे करेंगे। ठीक है, सिमिलर किस तरीके से करना चाहिए और हम सिमिलर कैसे करेंगे, तो इसके लिए कुछ नियम, कुछ रूल नियम है। वो रूल नियम क्या है, उसी चीजों का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा रूल नियम है। तो फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर है वो है हमारा ए ए सिमिलरिटी, सिमिलरिटी। सेकंड नंबर है ए ए ए सिमिलरिटी, ए ए सिमिलरिटी है। थर्ड नंबर है एस 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 सिमिलरिटी। ठीक है जी, और एक और है आपका फोर नंबर है एस ए एस सिमिलरिटी। ठीक है, थोड़ा सा आप समझिए, थोड़ा सा समझिए कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। सिमिलरिटी हम लोगों को करना क्या है, सिमिलरिटी का देखिए ये सारी चीजें, ये जो चीजें है ना, ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें मैंने बताया है, ये रूल नियम है, ये रूल्स है। इस रूल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए ए ए सिमिलरिटी है आपका, फिर आपका ट्रिपल ए सिमिलरिटी, ट्रिपल एस सिमिलरिटी है, उसके बाद एस ए एस सिमिलरिटी है। इसको हम लोग क्या करते हैं, एंगल 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 सिमिलरिटी, और इसको कहते हैं हम लोग एंगल 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 सिमिलरिटी। ये हमारा हो गया साइड 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 सिमिलरिटी। और ये हमारा हो गया साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। ठीक है जी, ये हमारा है। अब देखिए एक्चुअली इसमें क्या है कि दो ट्रायंगल होने चाहिए। ठीक है, दो ट्रायंगल, सपोज एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है और दूसरा हमारे पास ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। मैंने जब सिमिलरिटी पढ़ाया था और जब स्टार्ट किया था ट्रायंगल चैप्टर, तो उसका फर्स्ट में ही हमने बताया था कि सिमिलर कैसे होते हैं, सिमिलर किस तरीके से होता है। तो सिमिलर का मतलब हुआ कि ट्रायंगल है तो ट्रायंगल होना चाहिए, और ट्रायंगल के सिमिलर होने के लिए उसके क्या होना चाहिए, उसके एंगल इक्वल होने चाहिए और साइड का रेशियो, साइड का जो रेशियो होना चाहिए वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हम लोग पहले देखते हैं कि ए ए सिमिलरिटी, सपोज कि मैंने ये और ए बी सी डी ई एफ, डी ई एफ है ये, और इसे सपोज कि गिवन है, सपोज इसमें गिवन है, गिवन है एंगल ए इक्वल एंगल डी, एंगल बी इक्वल एंगल ई, ये दो चीजें गिवन है।
सपोज आप ही देखिए, ये और ये गिवन है कि इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। जब ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एक एंगल ये और इस ट्राइंगल का एक एंगल ये, और इस ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, गिवन है। देयरफॉर ट्राइंगल ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल डीईएफ बाय बाय एस सॉरी बाय ए ए सिमिलरिटी। अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि देखिए मैं यहां पे इसको भी लेके चल रहा हूं, एंगल 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 सिमिलरिटी। एंगल एंगल सिमिलरिटी क्या कहता है? एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी कहता है कि तीनों एंगल इक्वल होना चाहिए, तीनों एंगल इक्वल होना चाहिए। मीन्स ये एंगल, ये एंगल, ये इसके एंगल के इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। ये तो भाई यही चीजें है, ये जो दो एंगल अगर इक्वल है तो तीसरा एंगल तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। सपोज सपोज ये 30 है और ये 60 है, तो ये 30 तो भी 30 हो जाएगा, ये 60 तो 60, ये तो गिवन है। अब सपोज ये 6 और 3 9 हो गया, 19 हो गया, 90 हो गया, तो ये 90 डिग्री होते हैं, यहां भी तो 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि दो एंगल जिसके इक्वल होंगे तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, ए ए सिमिलरिटी को और एस एस सिमिलरिटी को, एस एस सिमिलरिटी को, मैं इसके आगे अभी देखता हूं कि इसको मैं कैसे प्रूव करता हूं, सॉल्व करता हूं। ठीक है जी, थ्योरम 6.3 एनसीईआरटी क्लास 10th। इफ इन टू ट्राइंगल्स क्रॉस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन देयर क्रॉस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शनल, एंड हेंस द टू ट्राइंगल आर सिमिलर। थ्योरम, तो चलिए देखते हैं आज आगे देखते हैं थ्योरम नंबर 6.3। थ्योरम है एंगल 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 थ्योरम, एंगल 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 सिंगुलरिटी। एंगल एंगल सिंगुलरिटी, ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, ए ए ए। ठीक है जी, देखिए दो, इसके लिए हम दो कंसीडर करते हैं, आपका दो ट्राइंगल बना लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, मैंने दो ट्राइंगल बना लिया। अब इस ट्राइंगल में हमें प्रूव करना है, गिवन है, गिवन देखिए पहले, गिवन गिवन है एंगल ए इक्वल एंगल डी, एंगल बी इक्वल एंगल ई, एंड एंगल सी इक्वल एंगल एफ, ये गिवन है। देखिए सिमिलरिटी के लिए हमें क्या चाहिए, ट्राइंगल इक्वल होने चाहिए, ट्राइंगल का एंगल इक्वल होने चाहिए, और उसके साइड क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो कैसे करते हैं, देखिए प्रूव दैट, प्रूव दैट ए बी अपॉन डी ई इक्वल बी सी अपॉन ई एफ इक्वल ए सी अपॉन डी एफ, यही प्रूव करना है। अगर ये दोनों चीजें मिल गया, ये दोनों चीजें मिल गई, ये दोनों चीजें मिल गई, तो हम कह सकते हैं आसानी से कि सर ये क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसको प्रूफ, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन भी ये करना है कि
टेक टेक अ पॉइंट पी ऑन साइड बी विच इज इक्वल टू ए बी मीन्स यहां पे एक पॉइंट ऐसा लेंगे, ऐसा कट करेंगे, ऐसा पॉइंट लेंगे जिससे क्या हो, यहां पे पी लिया तो क्या हो गया, ए बी इक्वल डी पी एंड टेक अ पॉइंट क्यू ऑन साइड डी एफ which is equal to AC, ठीक है जी। मीन्स यहां पे Q एक पॉइंट ऐसा लेना है जिससे क्या हो जाए AC के इक्वल हो जाए, ठीक है। एंड ज्वाइन PQ, और PQ को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन भी कर दिया। तो इतनी सारी चीजें मैंने कर दिया कि मैंने दो ट्राइंगल लिया और दोनों ट्राइंगल में गिवन था कि एंगल ए इक्वल एंगल डी, एंगल बी इक्वल एंगल ई, एंगल सी इक्वल एंगल एफ। मींस ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ये पहले से गिवन है, ठीक है, पहले से गिवन। और हमें प्रूव क्या करना है, इतना बाय इतना और इतना बाय इतना करना है, ठीक है। चलिए, अब सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें प्रूफ कैसे करें, किस तरीके से स्टार्ट किया जाए। तो आप सोचिए, आप कैसे सोचेंगे, देखिए टारगेट क्या है कि हम इसको सिमिलर प्रूफ करना है, इसके साइड को प्रोपोर्शनल लाना है, ठीक है। तो करना क्या है कि अगर मैं इसको पहले पैरेलल, इसको जो पीक्यू लाइन है, इस पीक्यू लाइन को क्या करना है, ईएफ के पैरेलल प्रूव करना होगा, ठीक है। अगर पैरेलल प्रूव हो गया तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो मैं इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए क्या करना है, आपको ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल यहाँ पे डीपीक्यू को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना होगा। पहले नाइन्थ क्लास में मैंने कॉन्ग्रेंट पढ़ाया था, तो आपको याद होगा कि नाइन्थ क्लास में कॉन्ग्रेंसी क्या है क्या नहीं है। तो अभी देखिए, मैं बता देता हूं कि कॉन्ग्रेंट कैसे करते हैं। यहां पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू। यहां पे एंगल ए इक्वल एंगल डी, ये गिवन है जी, एंगल ए इक्वल एंगल डी गिवन है। और क्या होगा, AB equal DP by construction and AC equal BQ, AB क्या होगा by construction। तो आप देख रहे हैं कि एक साइड मिला, फिर एक एंगल मिला और एक साइड मिला, एक एंगल मिला और एक साइड मिला, तो ये क्या हो गया, सो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल डी पी क्यू बाई एस से क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हुआ है। अब कॉन्ग्रेंट होने से क्या होता है जी, कॉन्ग्रेंट होने से क्या होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल बी इक्वल एंगल पी एंड एंगल सी इक्वल एंगल Q,
क्यू बाई सी पी सी टी। ये मैं सिर्फ कॉन्ग्रेंट किया हूं यहां पे, तो सीपीसीटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल चलेगा बाई सी पी सी टी। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या कि मैंने इसको इसके इक्वल प्रूव कर दिया और इसको इसके इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है, ये एंगल इक्वल हो गया, ये एंगल इक्वल हो गया। और पहले से देखिए यहां पे क्या गिवन है, पहले से यहां गिवन है एंगल बी इक्वल एंगल ई। एंगल अब यहां से लिखिए, इसको इक्वेशन वन कर देता हूं, एंड इट इज गिवन दैट and it is given that angle b equal angle e and angle c equal angle f। इसको question 2 कर लेता हूं, question 2 हो गया। ठीक है जी, अब थोड़ा मैं इसको erase करता हूं, आप लोग नोट कर लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके ना नोट कर लिया कीजिए ताकि आप आगे काम कर सके। ठीक है, देखिए अब क्या होगा, ये चीज अब फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन एंड टू से अगर लेकर चलते हैं तो क्या आएगा जी, इक्वेशन वन एंड टू, तो वन क्या है एंगल बी इक्वल एंगल पी और एंड एंगल सी इक्वल एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल एंगल क्यू, और यहां पे क्या है एंगल बी इक्वल एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल एंगल एफ, यही था। ठीक है, तो इन दोनों ही क्वेश्चन से हमारा क्या आ जाएगा, देखिए यहां बी एलएचएस इसका अगर इक्वल है तो आरएचएस भी इक्वल होगा, यहां भी एलएचएस इक्वल है तो यहां भी आरएचएस इक्वल होगा, मींस यहां पे लिख सकते हैं कि एंगल पी इक्वल एंगल ई एंड सो करके, सो एंगल पी इक्वल एंगल ई एंड एंगल क्यू इक्वल एंगल एफ। ठीक है, ये हो गया। यहां से क्या हुआ कि हमने क्या किया, ये एंगल और ये एंगल प्रूव कर दिया और ये एंगल प्रूव हो गया, मींस पी और क्यू इक्वल हो गया और ये इक्वल हो गया। जब हम देखते हैं ऐसे में कि ये लाइन कट कर रहा हो, ये और ये इक्वल होता है, किससे होता है जी, ये और ये इक्वल होता है, ये और ये भी इक्वल होता है, कैसे इक्वल होता है जी, कैसे इक्वल करते हैं इसको हम लोग कैसे इक्वल करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर पी क्यू पैरेलल ई एफ बाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से हम लोगों ने क्या किया, इसको पैरेलल प्रूव कर दिया। ठीक है, ये और ये पैरेलल। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, इसको थोड़ा रेज करते हैं, इसको रेज करते हैं, अब देखिए नाउ इन ट्राइंगल डी ई एफ पी क्यू पैरेलल ई एफ अभी भी मैंने ऊपर में ये प्रूव किया कि ये और ये पैरेलल है, तो यहां पे क्या कर लेंगे यूजिंग बीपीटी थ्योरम का यूज करेंगे। अब बीपीटी थ्योरम का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, बीपीटी थ्योरम का यूज करेंगे तो आ जाएगा हमारा डीपी बाई पीई या डीपी बाई डीई
ये भी तो करते हैं, इतना ये बाई ये, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि ये और ये इक्वल हो जाएगा, सॉरी ये और ये प्रोपोर्शनल होगा और ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इक्वल डी क्यू बाई डी एफ ये हो जाएगा जी, है ना, विपरीति का थ्योरम, विपरीति थ्योरम यूज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। और अब इसको इक्वेशन नंबर में थ्री कर देता हूं, ठीक है। एंड अब हमारे पास क्या था, यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं क्या, ए बी बाई डी इक्वल ए बी, यहां पे डी क्यू है, यहां पे लिखते हैं ए सी बाई डी एफ। यहाँ पे क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि क्या था, ए बी इक्वल डी पी एंड ए सी इक्वल डी क्यू बाई कंस्ट्रक्शन से मैंने ये कर दिया। तो अब देखें, ये और ये इक्वल हो गया, ये और ये इक्वल, इतना बाई इतना हो गया और इतना बाई इतना मैंने प्रूव कर दिया। देखिए ए बी बाई क्या हो गया डी और ए सी बाई क्या हो गया डी एफ, बच गया आपका ये बी सी बाई ई एफ बच गया। तो इसको बस सिमिलरली करके कर लेना, सिमिलरली ए बी बाई डी ई इक्वल बी सी बाई ई एफ इक्वल ए सी बाई डी ई, यही तो प्रूव करना था जी, प्रूव करना था। ठीक है जी, तो देखा मैंने कैसे आप लोगों को मैंने ए सिमिलरिटी को प्रूव करवाया। देखिए सिमिलरिटी को एक प्रूव करना, थ्योरम को प्रूव करना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको याद रखना है कि भाई अगर किसी ट्राइंगल में चलिए इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, और थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं, बेसिक समझाते हैं कि भाई एक ट्राइंगल में ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है ए बी सी पी क्यू आर, और इसमें गिवन है कि एंगल ए इक्वल एंगल पी, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल एंगल आर। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं ए बी बाई पी क्यू इक्वल बी सी बाई क्यू आर इक्वल ए सी बाई पी आर, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने सिमिलरिटी ने पढ़ाया है हमको, सिमिलरिटी ने बताया है हमको कि अगर किसी भी दो ट्राइंगल का एंगल इक्वल हो तो उसके साइड क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो ये हमारा ए सिमिलरिटी था। और इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको एस वाला प्रूव करवाऊंगा। वैसे प्रोवेशन आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि आपको आगे जाकर के आपको प्रोवेशन बताना होगा। एग्जामिनेशन में भी पूछ सकता है कि सर ये कैसे होगा, प्रूव कैसे करेंगे। तो आप अभी से सीख लीजिए, दो तीन बार प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद ब खुद आएगा, दो तीन बार वीडियो देखेंगे आपको खुद ब खुद सीख जाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आप मेरे से पूछिएगा, मेरे से समझिएगा, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है जी। ओके, थैंक यू।